तुलना करने से दुख होता है, उसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। कहेंगे हमको काफी चीजें चाहिए, वो चीजें हमको चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, कोई भी गाड़ी, लंबोर्गिनी है, ऐसी गाड़ी हमें चाहिए। और उसके लिए फिर हमारी चाहत है, उसके लिए हम दौड़ते रहते हैं, वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करेंगे, पैसे जमा करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। या बंगला है, हमको बड़ा बंगला तैयार करना है, फ्लैट लेना है, जो भी कुछ है, तो गाड़ी है, बंगला है, और भी कोई चीज है, विदेश टूर है, कि भाई उसके लिए हमको एक चाहत रहती है, उसका एक हमारा गोल रहता है, और वो पूरा करने के लिए हम बहुत कोशिश करते रहते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं। होता क्या है कि वो एक बार अचीव हो गया, वहां तक पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद में फिर लगता है अरे ये तो क्या कुछ खास नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, 2 दिन अच्छा लगता है, और बाद में फिर हमको और कुछ से भी चाहत निर्माण होती है और हम फिर दौड़ना चालू कर देते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? जैसा मुझे जाना था बुर्ज खलीफा, और देखेंगे ऐसी इच्छा थी, बुर्ज खलीफा 154 मंजिल इमारत है, और मतलब उसके बारे में काफी सुना था। एक बार वहां गए दुबई में, वहां जाने के बाद लगा ठीक है, बहुत सारे लोग, इतनी भीड़ है, क्या इसमें क्या कर लिया खास। तो ऐसा सभी बातों में होता है। गाड़ी भी आप ले लो, गाड़ी मिलती नहीं तब तक ऐसा होता है, गाड़ी एक बार मिल गई बोलता अरे सबके पास में गाड़ी है, अब मुझे और कुछ चाहिए। जो चाहत थी वो मिलने के बाद में 2-4 दिन सुख होता है, 2-4 दिन के बाद में वो अपना रूटीन हो जाता है। ये ऐसा क्यों है? चाहत निर्माण क्यों होती है? चाहत निर्माण हमारे वातावरण से होती है। हम कंपेयर करते हैं हमारे लोगों से, हमारे दोस्तों से, हमारे रिलेटिव से, कि उनके पास में मैंने भी वो खरीदना चाहिए, उसके पास में वो मैंने भी वो लाना चाहिए, उसके पास में वो मेरे पास में वो आना चाहिए। तो कंपैरिजन हम आजू बाजू में करते रहते हैं, और वो जो है वो लोगों के साथ में मैंने जाना चाहिए, उनसे कॉम्पीट करना चाहिए, ऐसा लगता है। देखो अपने साथ वाला कितना आगे निकल गया, देखो मेरे साथ में पढ़ता था अभी तो गाड़ी में घूम रहा है। या फिर वो भी आपको उचकाता रहता है कि देख मैंने गाड़ी ले लिया, तेरे पास में नहीं है, तो फिर वो भी अपने को उचकाने के बाद में लगता है कि नहीं अपने को भी वो होना चाहिए, और फिर हम दौड़ते रहते हैं। तो और हम कंपेयर किसके साथ में करते हैं? कंपेयर तो होता है अपने आजू बाजू के लोग हैं उनके साथ में, अपने दोस्त जो हरदम मिलते हैं, रिश्तेदार जो अपने साथ में होते हैं, या एकदम क्लोज है रिश्तेदार वो, या दूर का भी होगा मगर जो पहचानते हैं हम उनको, क्लासमेट्स है, आजू बाजू वाले लोग हैं, मतलब उनके साथ में कंपेरिजन होता है। कंपेरिजन तो हम बहुत बड़े आसमे से नहीं करते ना, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में तो मैं कंपेरिजन मेरी करूंगा नहीं, अरे नहीं वो तो बहुत बड़ा है। जो बाइडन साथ में तो करूंगा नहीं, अरे अपना तो कोई सवाल ही नहीं आता कंपेयर करने का। मैं कंपेयर किस साथ में करता हूं? जो मेरे आजू बाजू में है, जो मेरे बराबरी के, और उनके साथ में कंपेरिजन होती है और वो मुझे दुखी करते हैं। इसमें दुख के सिवाय और कुछ मिलने वाला है नहीं। हमको यदि खुश रहना है और अभी खुश रहना है, एक दिन नहीं, वन डे समडे नहीं, कि एक दिन मैं ये करूंगा, BMW लाऊंगा, होंडा सिटी लाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं शादी के बाद में खुश हो जाऊंगा, नहीं। आपको क्या करना है कि आपको अभी खुश रहना है, नंबर एक, क्योंकि जिनके पास में आपको जो चाहत थी वो जिनके पास में है। आपको BMW चाहत थी ना, BMW तो बहुत लोगों के पास में, पूछो वो खुश है क्या? तो इसका मतलब आपके पास में BMW आने के बाद में आप खुश होने वाले नहीं है, आपको और कुछ से भी चाहत तैयार हो जाएंगे। तो फिर लोगों के साथ में कंपेरिजन न करते हुए अभी जो है वो ठीक है, अभी मैं खुश हूं, और उसके साथ में अपना एक प्रतिकृति तैयार करो कि भाई 10 साल बाद में मैं कैसा होने वाला हूं, 10 ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, 10 साल बाद में मैं कहां रहूंगा। क्योंकि आपको पता है कि 10 साल पहले आप जो थे डेफिनेटली उससे कई गुना ज्यादा आज अच्छे हैं। जब 10 साल के बाद में मैं अच्छा हूं, वो वहां जाने, मतलब कुछ तो भी बढ़ोतरी मैंने की हुई है, कुछ तो भी ज्यादा किया हुआ है, अभी आज के 10 साल बाद में मेरे पास में क्या होगा वो चित्र निर्माण करो। और वो चित्र, वो गोल्स, वो टारगेट्स आप रखते हैं उसके साथ में कंपेयर करो कि भाई आज मैं हूं और मुझे वैसा बनने का है, अभी मैं ये गैप कैसे भर के निकालूं, और मेरी पूरी एक्टिविटी फिर वो गैप भरने के लिए करो। मतलब कंपैरिजन करना है तो अपने आप से करो, कंपैरिजन करना है कि भाई मैंने पीछे जो किया था उससे क्या आज मैं अच्छा कर रहा हूं, या आगे मुझे अच्छा इतना इतना करना है उसके लिए मुझे क्या करना है। तो एक तो कंपेयर अपने आप से करो, भूतकाल में जो मैं था उससे कई गुना अच्छा मैं आज कैसा कर सकता हूं, और भविष्य में कई गुना आज से अच्छा कैसा कर सकता हूं। ये करेंगे तो आपको दुख होगा नहीं, जो है उसमें आपको खुशी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।